Press the bell icon of the Epaathshaala channel and never miss another update. So hey guys, welcome back to your class and now this is your Vijay here और दोबारा से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे Epaathshaala के चैनल में। दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग अब दोबारा से क्लास 12th की जो आपका MCQ सीरीज चल रही थी उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ये क्लास 12th की इंडिया वाली बुक का चैप्टर 6 है। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट इज़ वाई अब हम इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस चैप्टर तो आपको सबसे पहले मेरे हिसाब से वीडियो देखनी ज़रूरी है। आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप जाके वहाँ से वॉच आउट कर सकते हैं, देन आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अच्छा, बहुत से ऐसे बच्चे जो ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये चैप्टर का नाम बदल चुका है। सच में चैप्टर का नाम बदल चुका है, अब चैप्टर का नाम ये हो चुका है। हमने जब वीडियो बनाई थी तो हमने बताने की कोशिश करी थी पुराना चैप्टर का नाम कुछ और था, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस इस चैप्टर का नाम बदला है, पर कॉन्टेंट पूरी तरीके से वही है, ठीक है ना। तो अब इसे डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस बोलते हैं, जैसे आप हिंदी में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो के नाम मतलब इस चैप्टर के नाम से आप टेंशन मत लीजिएगा, चैप्टर वही है, कंटेंट बस मतलब चैप्टर का नाम बदल दिया गया, कंटेंट सेम टू सेम वही आपको देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड MCQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ यू वांट टू गेट द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। मैं तो आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आपका मई में एग्जाम है भाई, तो गाइड सैम्पल पर जरूर परचेज करिएगा। उसके लिए हमने अपने डिस्क्रिप्शन में गाइड के लिए बता रखा है, सजेस्ट कर रखा है, तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं जाके, है ना। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि वो चीज़ ज़रूर परचेज करिएगा जिससे आपको अपने पेपर में काफ़ी मदद मिलेगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, शाह आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी। जस्टिस TC शाह के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। शाह आयोग की नियुक्ति असल में क्यों करी गई थी, अगर आपने चैप्टर से रिलेटेड बातें पढ़ी हो तो आपको समझ में आएगा कि इंदिरा गांधी ने जब 1975 के अंदर एमरजेंसी डिक्लेयर करी थी तो उसके बाद 1977 के अंदर इस एमरजेंसी को हटा दिया गया था। हटाने के बाद यहाँ पे शाह कमीशन की अपॉइंटमेंट करी गई थी। अब शाह कमीशन की अपॉइंटमेंट बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से करी गई थी, जैसे नंबर 1 बताया हुआ है कि क्या पता उस टाइम पे सरकार ने अधिकारों का दुरुपयोग करा हो, क्या पता सरकार ने उस समय पे डोमेस्टिक वायलेंस करा हो, बाल श्रम करा हो, या दलितों के प्रति जो कंडीशन थी स्थिति वो खराब रही हो। मतलब 1977 के अंदर जब आपातकाल खत्म हुआ था तो उस टाइम पीरियड में एक बात तो क्लियर थी कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज़्यादा बुरा किया हुआ था और उसने अपने सरकार का और सत्ता का गलत इस्तेमाल करते हुए एमरजेंसी में अधिकारों के साथ बहुत सारी बुरी चीज़ें करी थी। सो दैट इज़ वाई हमने शाह आयोग की स्थापना करी। आप देख सकते हैं JC शाह इनका नाम था, ये पूरी तरीके से एक आयोग की इन्होंने गठन करी थी। किसने तक करा था दोस्तों, ये करा था जनता पार्टी ने, कांग्रेस सरकार के खिलाफ किया था। अब उसकी वजह से क्यों किया था, देखो सरकार 1977 में जनता पार्टी आई तो जनता पार्टी थोड़ी ना जाके काम करने बैठे कि सरकार ने ये गलत किया, सरकार ने वो गलत किया। सरकार सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का कमीशन बना देती है, उस कमीशन का नाम शाह आयोग कमीशन रखा गया जिसमें JC शाह जो थे मेन हेड थे और उन्होंने तय करा कि क्या क्या चीज़ें आपातकाल के दौरान इमरजेंसी के दौरान गलत हुई थी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई थी। तो भाई मैंने ये चीज़ आपको बता दिया है, आपके अगर आपने वीडियो देखी हो तो मैंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करा हुआ है, हम इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बस आपको जो आंसर दे रहे हैं ना उसका रीज़न साथ में बताते हुए चल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। मैडम इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी जो थी उस टाइम पे हमारे देश के अंदर कौन थी, प्रधानमंत्री थी। तो इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा कब करी थी, तो ये क्वेश्चन तो मान के चलो कि भाई ये तो आना ही आना है, आपको रटना हो या ना रटना हो, लेकिन ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एमरजेंसी डिक्लेयर जो हुई थी 13 मई या 1971, 23 मई 1972, 25 जून 1975 और 4th है 11th मार्च 1975, सही आंसर है 25 जून। ओके,
तो किताब में 26 लिखा हुआ है लेकिन 25 तारीख को इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। इसका सही आंसर थर्ड है और 25 तारीख को डिक्लेयर होने के बाद पूरी तरीके से पूरे भारत में एक्सपोज कर दी गई थी 26 तारीख के दिन, लेकिन लगी कब थी, 25 जून के दिन इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। मैडम प्राइम मिनिस्टर जी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए प्लस प्रेसिडेंट को बोला कि मैं इमरजेंसी लगाना चाहती हूँ, ये कारण हो सकते हैं। अब वो कारण क्या थे वो आपने वीडियो के अंदर देखे होंगे, लेकिन लगा कब वो आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर अब थर्ड की बात करेंगे। 1974 के अंदर रेलवे हड़ताल पे गई थी, बिल्कुल सच है भाई, रेलवे हड़ताल पे गई थी। अब अगर रेलवे हड़ताल पे गई थी तो उसमें जॉर्ज फर्नांडिस एक बहुत बड़े कैरेक्टर है। मैं जैकलिन फर्नांडिस के रिलेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत बड़े लीडर थे जो जॉर्ज फर्नांडिस जो थे उस टाइम पीरियड पे 1974 के अंदर रेलवे को हड़ताल पे लेके आए थे। ड्यू टू सम रीज़न इंदिरा गांधी ने मेरी ख्याल से इस वजह से भी इमरजेंसी लगाई होगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रेलवे जो स्ट्राइक पे गई थी 1974 के अंदर, तो उस टाइम पीरियड पे जॉर्ज फर्नांडिस लीड तो कर रहे थे, लेकिन रेलवे हड़ताल जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में तो थी, लेकिन वो किसके नेतृत्व में थे, है ना। यहाँ पे नेशनल यहाँ पे लिखा कोऑर्डिनेशन ऑफ कमेटी ऑल इंडियन रेलवेज फेडरेशन, एम इंडियन रेलवे रेलवे मेंस फेडरेशन या नेशनल कोऑर्डिनेशन एसोसिएशन। तो इसमें से सही आंसर हमारा ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, अखिल भारतीय रेलवे मेंस संघ, ये जो थे इनके अंडर में क्या कहते हैं जॉर्ज फर्नांडिस जो थे वो रेलवे हड़ताल पे लेके आए थे। अच्छा, जॉर्ज फर्नांडिस की खासियत आपको पता है क्या है, इसका सही आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड इज अ राइट ऑप्शन। पर जॉर्ज फर्नांडिस की खासियत ये थी कि 1974 में जब वो रेलवे को हड़ताल पे लेके आए थे और 1977 में जब दूसरी गवर्नमेंट बनी थी यानी कि जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी, तो उस टाइम पे जॉर्ज फर्नांडिस आप देख सकते हैं क्या बने थे भाई, डिफेंस मिनिस्टर बने थे। एक टाइम पे वो डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं हमारे भारत के, 21 अक्टूबर 2001 से लेकर 22 मई 2004 तक, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी। तो जॉर्ज फर्नांडिस एक बहुत बड़े लीडर के नाम से भी पुकारे जाते हैं। तो ये पूरा डेटा बता रखा है मैंने कि क्या कारण था रेलवे हड़ताल पे क्यों गई थी, है ना। तो आप भाई ये नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, नहीं तो आपके बुक के अंदर ये है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं इसे, पर अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश मीडियम वाली बुक में बहुत आसानी से देख सकते हैं। मैंने अपनी वीडियो में वैसे भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। तो हम इतना नहीं पढ़ेंगे, बस जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में कुछ अच्छाई थी तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिए। तो ये देख सकते हो जॉर्ज फर्नांडिस हमारे डिफेंस मिनिस्टर बने थे, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जॉर्ज फर्नांडिस एक बहुत बड़े लीडर है। 1975, अच्छा ये इम्पॉर्टेंट पता है क्यों है, ये इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद की वजह से, ठीक है ना, आर्टिकल की वजह से। मतलब हमारे भारत के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 395 आर्टिकल्स बनाए गए थे और एट प्रेजेंट टाइम भी इतने ही आर्टिकल है, 395 आर्टिकल्स है। लेकिन इमरजेंसी डिक्लेयर करने के ना बहुत सारे रीज़न होते हैं, जब इमरजेंसी डिक्लेयर करी जाती है तो कोई ना कोई आर्टिकल, क्योंकि हम कुछ भी काम करते हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है, तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो अगर मैडम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी भारत के अंदर, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल उन्होंने इस्तेमाल करा था जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये इमरजेंसी इसकी कैटेगरी में आती है, और उसके बाद आने वाली सरकारों ने इमरजेंसी लगाने के रीज़न को सही ठहराते हुए एक ग्रेट रीजन देने के लिए कहा। मतलब इंदिरा गांधी ने तो बस ये बोला कि आंदोलनी गड़बड़ी हुई थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ था, इसलिए मैं देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहती हूँ। लेकिन उसके बाद की सरकारों ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको रीज़न देना पड़ेगा, आम रिबेलियन होना अलग है और इंटरनल डिस्टर्बेंस होना अलग है। लेकिन अगर 1975 के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी तो उस समय कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल किया जाएगा, देखो यहाँ पर ना मैं आपको रीज़न भी दे दूंगा कि कौन सा आर्टिकल कहाँ पे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैडम प्राइम मिनिस्टर जी ने आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करा था, लेकिन हमारे भारत देश के अंदर तीन टाइप की इमरजेंसी लगती है। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, इमरजेंसी इज अ डिफाइंड अ सिचुएशन इन विच इट इज़ नॉट नॉर्मल सिचुएशन विच इज़ कॉल्ड द अर्जेंट रेमेडियल एक्शन, और वो किसकी कैटेगरी में आती है, तीन कैटेगरी में, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। उसके भी अलग अलग आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल 365 का इस्तेमाल मैडम प्राइम मिनिस्टर जी ने कर लिया था, क्यों कर लिया था, नेशनल इमरजेंसी हमेशा दो लोगों के द्वारा लगाई जाएगी, पीएम अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इसे लगा सकता है,
लेकिन वो सलाह लेगा, किससे सलाह लेगा, एडवाइस लेगा हमारे देश के राष्ट्रपति से। अच्छा, स्टेट इमरजेंसी कब लगाई जाती है? स्टेट इमरजेंसी जब लगाई जाती है भारत के अंदर, जब लगता है कि किसी स्टेट की सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है और वहाँ की सरकार को भंग करना पड़ सकता है, डिसॉल्व करना पड़ सकता है। जैसे एक बार दिल्ली के अंदर हुआ था। दिल्ली के अंदर क्या हुआ था? दिल्ली के अंदर ये हुआ था कि आम आदमी पार्टी की सरकार और प्लस कांग्रेस की सरकार आपस में मिलकर चला रही थी, लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ 49 डे ही चली। और इसके चलने की वजह से क्या हुआ? सरकार को गिरना पड़ गया। तो सरकार जब गिर गई तो उसके अंदर नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाया गया, सिर्फ स्टेट इमरजेंसी लगाया गया। तो वहाँ पे आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया जाएगा, ना ही कि आपका क्या कहते हैं 352 का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये होता है 356 स्टेट इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 आर्टिकल है, ठीक है ना? तो आप इस पर फोकस ज़रूर करिएगा। तीन टाइप की इमरजेंसी है, आप इस पर फोकस ज़रूर कर लीजिएगा। नेशनल इमरजेंसी मैंने आपको बता दिया कि नेशनल इमरजेंसी ये आर्टिकल में आती है, तो ये आपको इसलिए जानना ज़रूरी था। मैंने कहा यार थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देना ज़रूरी है, ठीक है ना? तो ये इतना हो गया हमारा। कौन सा क्वेश्चन हो गया? फोर्थ क्वेश्चन हो गया, जिसमें हमने काफ़ी और चीज़ें भी कवर कर ली। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की, जिसमें पूछा हुआ है 1974 के अंदर अगर बिहार आंदोलन हुआ था, बिहार मूवमेंट हुआ था, तो किसके नेतृत्व में हुआ था, है ना? यहाँ पे लिखा है चारू मजुमदार लिखा हुआ है, उसके बाद जयप्रकाश नारायण लिखा हुआ है ना, मुरारजी देसाई जी और सी नटराजन लिखा हुआ है, सी नटराजन। तो इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण जी, क्योंकि उस समय बिहार के सीता बदियारा गांव के अंदर वो रह रहे थे और उन्होंने पहली बार देखा कि यार मतलब एक नॉर्मल सी जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर दिया और सरकार को गिराने की मांग कर दी। तो जयप्रकाश नारायण जी एक ऐसे लीडर हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा, जयप्रकाश नारायण जी पूरी तरीके से गांधी जी के साथ 1972 के आंदोलन में उन्होंने इतना अच्छा पार्टिसिपेट किया था, दैट इज़ वाई पीपल नो हिम द ग्रेट लीडर। और उन्होंने कभी भी सत्ता का मतलब ये नहीं कहा कि मुझे वो कुर्सी चाहिए, मुझे वो कुर्सी चाहिए। तो 1974 के अंदर जब ये सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तो जयप्रकाश जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में जेपी भी बोलते हैं, उन्होंने उस टाइम पीरियड पे साथ दिया था किन लोगों का? बिहार मूवमेंट में बच्चों का। और 1977 में जब सरकार बनी थी, 1977 के अंदर जनता पार्टी की सरकार, कौन सी सरकार? जनता पार्टी की सरकार। तो जनता पार्टी की सरकार में क्या हुआ था? इन्होंने लोगों का साथ दिया था भाई, ठीक है ना? तो जनता पार्टी अगर बनी है तो भाई 1977 के अंदर यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी का बहुत तगड़ा रोल रहा है। ओके, तो ये थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आप मतलब बेसिक रीज़न भी समझते चले। देखो MCQ तो आप YouTube के चैनल के ऊपर बहुत सारे देख लेंगे, लेकिन ई पाठशाला चैनल पे आपको विद रीज़न समझाया जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन अच्छी अच्छी मिलती रहे। और साथ में हम वैसे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ देने वाले हैं, नोट्स हमने वैसे आपको अवेलेबल करा ही दिए हैं, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें, तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की, 1977 के आम चुनाव के बाद कौन सी सरकार सत्ता में आई? बिल्कुल, ये तो बहुत ही ईजी सा आंसर है भाई। 1977 में कौन सी सरकार सत्ता में आएगी? सिंपल सी बात है, अभी मैंने नाम बताया, जनता पार्टी सरकार सत्ता में आएगी। क्यों आएगी भाई? क्योंकि 1975 से लेकर 1977 तक देश के अंदर एमरजेंसी लगाई हुई थी। किसने लगाई थी? कांग्रेस ने लगाई थी। और जनता भाई, जनता खाना ही खाती है, जनता कुछ और नहीं खाती है। जनता को पता है कि जो हमारे ऊपर शोषण करेगा, एक्सप्लोटेशन करेगा, उसका जवाब हम इलेक्शन के अंदर ज़रूर देंगे। इसलिए 1977 में जब आम चुनाव हुए थे, तो आप देख सकते हो उसमें जनता पार्टी ही आएगी। जनता पार्टी का इतिहास कुछ अजीब सा रहा है, देख सकते हो। पहले कांग्रेस कुछ और थी, फिर कुछ और होती चली गई, फिर कुछ। ये सिंबल बताने की मैंने कोशिश करी हुई है, ये जनता पार्टी का सिंबल था 1977 के अंदर। उसके बाद 1980 के अंदर इलेक्शन होते हैं और उस समय जनता पार्टी नहीं रहती है, भारतीय जनता पार्टी बन जाती है और फिर उसका सिंबल बदल जाता है। तो एट प्रेजेंट टाइम अगर भारतीय जनता पार्टी देश में राज कर रही है, तो जयप्रकाश नारायण उसमें एक रीज़न हो सकते हैं पास्ट में। और साथ में सिंबल आप देख सकते हो कि ये सिंबल उस समय इस्तेमाल किया जाता था, जो पूरी तरीके से किसानों को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो दिस इज़ द ग्रेट रीज़न भाई, कि जिस वजह से कांग्रेस जो थी वो हारी इलेक्शन, और 1977 के अंदर इतने टाइम बाद जाके मतलब सरकार जो थी जनता पार्टी किसी नेशनल लेवल पे उभर के आई थी, तो ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। क्वेश्चन नंबर अब सेवन की बात करेंगे,
1967 में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय क्रांति दल बनाने वाले नेता कौन थे? मतलब देखो, इतना तो क्लियर है हमें कि 1962 के अंदर हमारा चीन से युद्ध हुआ, ये तो सभी को पता होगा। 1964 के अंदर नेहरू जी की डेथ हो गई, है ना, पंडित नेहरू जी, उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद 1966 के अंदर शास्त्री जी की भी डेथ हो गई, है ना, शास्त्री जी की भी डेथ हो गई। और 1967 के अंदर जब सरकार बनी तो उस समय पे इंदिरा गांधी जी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इंदिरा गांधी जी देश की क्या बनी, देश की प्रधानमंत्री बनी। लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा मानना था कि इंदिरा गांधी जी अभी नॉन एक्सपीरियंस प्लेयर है, है ना, वो हमने अपनी वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छा बताया हुआ है। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी को छोड़कर 1967 के अंदर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने क्रांति दल बनाया था? तो देख सकते हैं इसका सही आंसर है चौधरी चरण सिंह जी जिन्होंने क्रांति दल बनाया था। ये चौधरी चरण सिंह जी की क्या कहते हैं इमेज है, ये हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। किस टाइम पे रह चुके हैं आप देख सकते हो, जनता पार्टी के ही ये थे, बाद में जाके, है ना, बाद में जनता पार्टी के हिस्से में आ गए थे, लेकिन इन्होंने ही भारतीय क्रांति दल बनाया था उस टाइम पीरियड में। हमारे देश के 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं, जो इतने से इतने टाइम पीरियड के, ज़्यादा समय तो उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन ये सिर्फ इतने से इतने के टाइम पीरियड में ये रहे हैं। ये इसलिए आपको जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये बताऊँ ज़रूर। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, आप क्वेश्चन ही नहीं और भी चीज़ें देख रहे हैं साथ साथ में, है ना। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग किसकी, क्वेश्चन नंबर हमारे 8th की। क्वेश्चन नंबर 8th में पूछा हुआ मंडल आयोग, क्या चीज़, मंडल आयोग की स्थापना किस मुद्दे पे हुई थी? मंडल आयोग एक ऐसा आयोग था जो पूरी तरीके से ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए इसका आंसर यही होगा, रिजर्वेशन ऑफ ओबीस। ये बोला गया था कि स्टेट की गवर्नमेंट को छोड़ के सेंट्रल की जितनी भी गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल की जितनी भी गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार की जितनी भी नौकरियाँ होंगी, उसमें नौकरियों के साथ एजुकेशन लेवल में इन लोगों को क्या मिलेगा, संरक्षण मिलेगा, जिसे हम आरक्षण के नाम से पुकारते हैं। और देश के अंदर बहुत तगड़ा मुद्दा, बहुत तगड़ा बवाल हो गया था इसके ऊपर, मतलब समझ रहे हैं, मतलब वीपी सिंह ने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कांड करके चला जाऊंगा और देश के अंदर मतलब बहुत सारे दंगे हुए जातियों के नाम पे, लोगों ने बहुत कुछ किया, ये हमने वीडियो में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर नाइन 1977 से लेकर 1979 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे? तो देखो सिंपल सी बात है भाई, 1977 के अंदर कौन सी सरकार आई थी, जनता पार्टी। जनता पार्टी सरकार चुनते ही तीन लोगों के बीच में कंपटीशन तेज हो गया कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, मोरारजी देसाई जी, चौधरी चरण सिंह जी और एक और व्यक्ति थे जिनके तीन के बीच में, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन इन तीनों के बीच में वो थे। लेकिन यहाँ पर ना जो बने देश के प्रधानमंत्री, मतलब कांग्रेस पार्टी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री बना तो वो यही बने थे, वो कौन थे, इसका आंसर आप देख सकते हैं हमारे क्या है, मोरारजी देसाई जी दैट पर्सन जिन्होंने उस टाइम पीरियड पे देश के चौथे प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जताई थी। उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी बने थे, है ना, और फिर चंद्रशेखर जी बने थे, चंद्रशेखर नाम याद आ गया मुझे, चंद्रशेखर। लेकिन उनका ज़्यादा टाइम पीरियड रहा नहीं, आप देख सकते हो 24 मार्च से लेके 28 जुलाई 1979 तक, यानी कि इसी टाइम पीरियड तक ये देश में क्या बने रहे, देश के प्रधानमंत्री। ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री बने नहीं रहे क्योंकि गठबंधन की सरकार थी, और उस समय पे देख सकते हो आप चरण सिंह जी और जगजीवन राम जी जो हैं उस समय डिप्टी क्या कहते हैं पीएम थे, तो ये थोड़ी सी दिक्कत थी। लेकिन आंसर आपको पता होना चाहिए कि पहले ऐसे व्यक्ति बने ये जिन्होंने कांग्रेस कितने टाइम से चलती आ रही है, मतलब 1951 के अंदर इलेक्शन हुआ और लास्ट में 1977 तक आते आते इतने टाइम पीरियड तक कांग्रेस ही चल रही थी, कांग्रेस ही पूरे देश में चल रही थी, लेकिन ये व्यक्ति चौथे प्रधानमंत्री बने जो जनता पार्टी के थे, तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी था, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की, 1974 के दौरान किन दो राज्यों में छात्र विद्रोह आंदोलन चल रहे थे? दो राज्य इंपॉर्टेंट है, बिहार झारखंड, बिहार उत्तर प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका, और बिहार और गुजरात। तो इसका आंसर है बिहार और गुजरात,
बिहार और गुजरात में मैंने दोनों बता रखे हैं। नव निर्माण मूवमेंट गुजरात में चल रहा था और बिहार मूवमेंट बिहार के अंदर चल रहा था। नव निर्माण मूवमेंट के अंदर क्या दिक्कत थी? क्राइसिस एंड द करप्शन इन द पब्लिक लाइफ। और इसके अंदर क्या दिक्कत थी? कॉजेस करप्शन ऑफ पब्लिक लाइफ। दोनों का कारण अलग था, अलग नहीं लगभग सेम ही था। तो ये मैंने अपनी वीडियो के अंदर बहुत डीपली समझाया हुआ है, आप उसे जाके वॉच आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। 1975 के अंदर जयप्रकाश नारायण ने लोगों के किस मार्च का नेतृत्व किया? मतलब 1975 के अंदर जब ये क्या कहते हैं वो हो रहा था, आंदोलन चल रहा था, तो दिल्ली के अंदर एक साइलेंट प्रोटेस्ट हुआ था और उस टाइम पीरियड पे जयप्रकाश नारायण जी गांधी के कंपैरिजन में एक नेशनल लीडर थे। देश में बहुत कुछ बदल सकता था, लेकिन उस समय पे जयप्रकाश नारायण जी ने सिर्फ सिंपल सा बोला कि हम सारे के सारे लोग पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे, ठीक है ना। तो मेन था पार्लियामेंट की ओर मार्च करेंगे और मोस्टली जनता जो थी उनकी बात मानने के लिए तैयार थी। लेकिन वही था कि उसके कुछ टाइम के बाद जिस दिन इनको पार्लियामेंट की तरफ मार्च करना था उसी दिन इंदिरा गांधी जी ने क्या करा, इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे, आप ये देख सकते हैं बुक में आपके कार्टून है, इस कार्टून के ऊपर हमने क्या कहते हैं वीडियो भी बनाई हुई है, क्योंकि कार्टून भी आते हैं भाई, ठीक है ना। कार्टून भी हमारी वीडियोस डली हुई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करते रहिएगा, रिप्लाई करते रहिएगा, अपना रिस्पॉन्स देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जल्द ही हमें 1 मिलियन क्रॉस कराने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, जयप्रकाश नारायण जी संसद मार्च के दौरान निम्न में से किस राजनीतिक दल का समर्थन नहीं मिला? मतलब पूरे भारत के अंदर एक ग्रैंड अलायंस चल रहा था, सबने कहा कि संसद का घेराव करेंगे, देश की सरकार जो है निकम्मी होती जा रही है, जनता के प्रति वफादार नहीं है। तो उसमें सभी पार्टी जब ग्रैंड अलायंस में आई तो वो जयप्रकाश नारायण के साथ आ खड़ी हुई, लेकिन एक ही सरकार थी जो नहीं खड़ी हो रही थी उनके साथ, वो कौन सी थी बच्चों? आपको जानना जरूरी है, यहाँ से देखिए 1967 के अंदर अगर आपको याद हो मैंने अपने वीडियो के अंदर बताया था दो टाइप की कांग्रेस बट गई थी बाद में जाके, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बट गई थी ना। तो कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, कांग्रेस ओ सिंडिकेट की थी और कांग्रेस आर जो थी वो 1971 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस आर यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार थी। और इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पीरियड में क्या वो जयप्रकाश नारायण के साथ आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसका सही आंसर क्या है? कांग्रेस आर इसका सही आंसर आप देख सकते हो, कांग्रेस आर, क्योंकि कांग्रेस ओ जो थी वो के कामराज के द्वारा बनाई गई थी और कांग्रेस आर जो थी वो इंदिरा गांधी के द्वारा बनाई गई थी। 12 नवंबर 1969 के अंदर दोनों पार्टी अलग हो गई थी और बाद में इन्होंने अलग अलग इलेक्शन लड़े थे। तो ये थोड़ा सा इतिहास बहुत ही मतलब पॉलिटिकल लेवल पे देखा जाए तो बहुत ही अलग है, वो आप जाके हमारी वीडियो वॉच करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। हमने मतलब इतना सिंपली करके बताया हुआ ना बच्चों को कि उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 1973 के अंदर सरकार द्वारा किस भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? 1973 के अंदर जिस समय सरकार इंदिरा गांधी की थी तो ये एक ऐसा डिसीजन दिया गया था जिस टाइम पीरियड पे ये देखा गया कि सरकार ने अपनी शक्तियों को गलत इस्तेमाल करके गलत तरीके से किसी देश के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कर दिया था, वो भी गलत तरीके से। वो कौन थे? ए एन रे थे, ठीक है ना भाई। आप देख सकते हो ए एन रे के बारे में मैंने यहाँ बताया हुआ है कि देश के कितने 14th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस टाइम पीरियड पे। आप देख सकते हो कि देश के अंदर मतलब बहुत ही एक ऐसा माहौल बन गया था कि इंदिरा गांधी जी ने अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल करते हुए ऐसा भी सीन कर दिया कि तीन जजों को छोड़कर मुरारजी देसाई आप देख सकते हो ए एन रे की अपॉइंटमेंट करी गई। तो तीन जजों को जो सुपरसीड करके ये बने थे उन तीन जजों ने इस्तीफा भी दे दिया था, वो मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया हुआ है वो कौन से तीन जज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का राष्ट्रपति तो सिंपल सी बात है हमारे बहुत ही जाने माने फारुकुद्दीन अली अहमद थे। तो इसका सही आंसर ए है, फारुकुद्दीन अली अहमद देख सकते हो देश के 5वें प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, जिनका टाइम पीरियड 24 अगस्त 1974 से लेके 73 के बीच में था। तो ये आपको इसलिए जानना ज़रूरी क्योंकि पूरा चैप्टर ही इमरजेंसी बेस्ड है और देश में उस समय पे कौन राष्ट्रपति थे वो आपको जानना ज़रूरी था, प्रेसिडेंट कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, निम्न में से किस पार्टी ने कांग्रेस के आपातकाल के दौरान अपना समर्थन देना जारी रखा?
निम्न में से किस पार्टी ने कांग्रेस को आपातकाल के दौरान भी, मतलब ऐसी भी पार्टी रही थी जिन्होंने कहा कि जो भी कांग्रेस पार्टी कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है और हम उसका सपोर्ट करते रहेंगे। कौन सी पार्टी थी भाई? तो ये थोड़ा सा आपको मतलब अजीब सा लगेगा कि ये पार्टी ऐसे कैसे हो सकती है, लेकिन पार्टी यही थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये पार्टी थी भाई। देख सकते हो जो कभी सरकार के खिलाफ हुआ करती थी वो सरकार के साथ 1975 में कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो देख सकते हो 1925 के अंदर बनी थी। तो इसका सही आंसर आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आप 16 की बात करेंगे, 1977 के आम चुनाव के अंदर कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? इतना तो कंफर्म है कि 1977 के चुनाव में कांग्रेस सीटें हार गई थी, लेकिन कितनी मिली थी वो जानना जरूरी है। इसका आंसर है 154। आप देख सकते हो टोटल सीटें कितनी थी, इतनी थी, जिनमें से 303 सीटें जनता पार्टी और उनके समर्थन पार्टी दल को मिली थी, लेकिन स्पेशली कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 154 सीटें ही मिल पाई थी। उस समय कांग्रेस का सिंबल क्या था? आप देख सकते हो ये सिंबल उनका 1977 के टाइम पीरियड में था, ठीक है। बाद में जाके कांग्रेस आई बनी थी, वो इसका कांग्रेस सिंबल यही था, लेकिन कितनी सीटें थी इलेक्शन के रिजल्ट के टाइम पीरियड में? 144। और जनता पार्टी की कितनी सीटें थी? 295 सीटें थी, लेकिन उन्होंने समर्थन लिया किसी और से भी, तो वो एक अलग है क्योंकि इनका तो ग्रैंड अलायंस चल रहा था पूरा, है ना, लेकिन हमें ये तो नहीं पूछा। क्वेश्चन नंबर अब 17 की बात करेंगे, 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें ली? क्योंकि 77 वाला अलग था और 80 में, 77 में तो कांग्रेस क्या हुई, हार गई, लेकिन 1980 में जब दोबारा से इलेक्शन हुए तो कांग्रेस दोबारा जीत गई। इनक्रेडिबल, अजूबा, मतलब ऐसे कैसे हो गया। तो उस समय पे कांग्रेस ने कितनी सीटें हासिल कर ली? देखो ये तो सिंपल था कि 1977 में जब सरकार बनी जनता पार्टी की, तो सरकार गठबंधन की सरकार थी, सिर्फ वो कांग्रेस को हराने के लिए बनाई गई थी, लेकिन उनकी आपस में कोई मेजॉरिटी बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वो सरकार जल्दी गिर गई, इसलिए पूछा हुआ है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, मैंने पूरा ही वो विकिपीडिया से उठा लिया था ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये देखेंगे आप, तो टोटल सीटें कितनी थी? 543, जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी मिली? 353, मतलब 200 सीटों के साथ उन्होंने बढ़त कर ली और 42% शेयर उन्हीं को मिला। और एक कहाँ जनता पार्टी, जनता पार्टी जो कभी 1977 के इलेक्शन में जीती हुई थी, उनको कितनी सीटें मिली? सिर्फ 31 सीटें, मतलब कहाँ 300 समथिंग, मतलब कहाँ 300 समथिंग और कहाँ पे इन्होंने बिल्कुल ही अपना माइनस में कर दिया। तो ये बहुत ही बड़ा इशू रहा और लोगों के लिए अजूबा रहा कि मतलब ऐसे कैसे हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसा कैसे हो गया वो मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ, ऐसा कैसे हो गया। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ऐसी बहुत इनक्रेडिबल चीज़ें आपके लिए आती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे अब हम, 1977 में कांग्रेस पार्टी की हार का मुख्य कारण क्या था? वो अगर हारी तो भाई सिंपल सी बात है, आपातकाल के अंदर घोषणा कर दी थी उन्होंने और अलोकतांत्रिक उन्होंने नेचर अपनाया था, तो इसलिए दोनों ही इसका रीज़न दे सकते हैं हम, ये दोनों ही उन्होंने गलत काम किए थे, तो ये तो आप लॉजिक लगा सकते हो। वैसे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए इंदिरा गांधी के खिलाफ किसने याचिका दायर करी? राष्ट्रीय आपातकाल समझते हैं, जब उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगाई तो उस टाइम पीरियड पे 1975 के अंदर उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, ठीक है, वो हमने देख लिया 25 जून, लेकिन उस टाइम पीरियड पे ना, उससे पहले उन्होंने इलेक्शन लड़ा था 1971 के टाइम पीरियड में, और उन्होंने कहा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर जो जीती हैं इलेक्शन वो गलत तरीके से जीती हैं, और उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ केस कर दिया। तो इनमें से कौन से थे वो? राज नारायण जी। राज नारायण जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये बता दिया कि जो हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, किनके टाइम पीरियड पर? जनता पार्टी के दौरान के टाइम पीरियड पर वो हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, और इन्होंने केस ये करा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर जी ने सही मायने में जो इलेक्शन जीता है वो गलत तरीके से जीता है, और इसका प्रूफ भी हुआ था। तो ये बहुत इनक्रेडिबल है कि ऐसे कैसे हो गया था, लेकिन अब इमरजेंसी लग गई, बातें टल गई, ख़त्म कहानी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए कि ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि अरे तो सिलेबस से ही नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है ये। नक्सलवादी बागवत के नेता कौन थे? हु वॉज अ लीडर ऑफ नक्सलिस्ट रिबेलियन? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, जैसे अब चारू मजनूमदार बोलते हैं, ये देख सकते हो स्क्रीन मैंने यहाँ पे खींची हुई थी ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये हमारे व्यक्ति थे जिन्होंने उस टाइम पीरियड पे क्रांतिकारी व्यक्ति थे, जो नक्सलवादी लोग थे उनका समर्थन ये करते थे, तो कुछ सोच समझ के करते थे,
है ना। तो गाइज दिस इज इट इन दिस वीडियो और आई होप आपको ये 20 MCQ सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। थैंक यू अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो, और हम बहुत ही जल्दी आपके लिए और अच्छे अच्छे सरप्राइज लेके आने वाले हैं। वीडियो कैसी लगी अपना रिस्पॉन्स लाइक या डिसलाइक के साथ जरूर करेगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।